और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, शिवांगी ठाकुर हमारे साथ हैं और ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ है। शिवांगी, सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, देश को 14वें उपराष्ट्रपति के नाम के ऐलान का आज शाम तक इंतजार रहेगा। बिल्कुल अदिति, तैयारियां पूरी हो चुकी है, अब से कुछ ही देर में चुनाव जो है वो शुरू हो जाएगा। एनडीए ने अपने उम्मीदवार के तौर पर बंगाल के राज्यपाल जो रह चुके हैं जगदीप धनखड़, उनको चुना है। वहीं दूसरी ओर अगर विपक्ष की बात हम करें तो देखिए कैसे कांग्रेस की ओर से मार्गरेट अलवा को चुना गया है। और सबसे बड़ी बात, लगातार हम बात कर रहे हैं जगदीप धनखड़ का परिवार हो या उनसे जुड़ी जो कहानियाँ हैं वो सामने आ रही हैं। देखिए उनका जीवन भी संघर्ष भरा रहा है, बहुत सारा संघर्ष था। और सबसे बड़ी बात ये कि वो कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन राजनीति में आए, उनका करियर बहुत बड़ा रहा और कई सालों तक बिना किसी हम कहें तो कोई भी उनको ऐसा कोई बड़ा पद नहीं दिया गया था बीजेपी की ओर से, फिर भी वो एक कार्यकर्ता के तौर पर कई सालों तक काम करते रहे, 15 से 16 सालों तक। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है और शायद यही वजह है कि पहले उनको बंगाल का राज्यपाल बनाया गया और उसके बाद आप देखिए कि कैसे अब एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें यहाँ पर भेजा गया है। सबसे बड़ी बात ये देखना होगा कि जब वोटिंग शुरू होती है तो किसका पलड़ा जो है वो भारी होता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एनडीए को भी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है उसके हिसाब से। 9:36 हो चुके हैं। शिवांगी ठाकुर तो विजय चौक से रिपोर्ट कर रही हैं इस खबर पर, साथ ही साथ ब्रह्म प्रकाश सूबे भी मेरे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रह्म। ब्रह्म, राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर ही इन चुनावों में भी शुरुआत से लेकर अब तक हम देख पा रहे हैं कि जो टूट है, जो टकरार है और जो वैचारिक मतभेद है विपक्ष में, वो खुलकर सतह पर नजर आ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल निधि, देखिए राष्ट्रपति चुनाव में भी कांग्रेस ने कोशिश की थी कि सारी जो अपोजिशन में जो पार्टियां हैं वो एकजुट हों और राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो अपोजिशन का उम्मीदवार है उसको समर्थन करें, लेकिन आपने देखा कई रीजनल पार्टियों ने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दिया, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया, क्योंकि एनडीए ने जो कार्ड खेला था जिस तरह से आदिवासी कैंडिडेट उतारा था, तो राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए भारी पड़ी विपक्ष पे। इसी तरह से आप देखिए जब उपराष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग हो रही है और उसमें आप देखिए जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बना आया है कांग्रेस ने मार्गरेट अल्वा को, कांग्रेस ने कोशिश यह की है कि जो भी अपोजिशन की पार्टियां हैं वो एकजुट रहे, लेकिन आप देखिए ममता बनर्जी जो टीएमसी जिसने अपने ही उपाध्यक्ष को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उतारा था यशवंत सिन्हा को, वो ही मार्गरेट अल्वा को समर्थन नहीं कर रही है। इसी तरह से बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, बीएसपी ने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन किया है। तो जिस तरह के अभी समीकरण है उसमें एनडीए के जो उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़ उनको आसानी से जीत मिल जाएगी, इस बात की पूरी पूरी होना है। कांग्रेस लेकिन यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि कम से कम यह तो नजर आए कि अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो एकजुट होकर एक मंच पर खड़ी हैं और अपोजिशन का जो उम्मीदवार है उसको समर्थन कर रही हैं। तो कांग्रेस की तरफ से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि इसमें भी बिखराव सामने आ गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आगे भी जो लोकसभा के चुनाव होने हैं और कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं अगले साल, तो आगे क्या रीजनल जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो उनमें एकजुटता रह पाएगी जब राष्ट्रपति चुनाव में और उपराष्ट्रपति चुनाव में वो बिखरी हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा, उसके बाद काउंटिंग है और शाम रात 8 बजे तक परिणाम आ जाएंगे कि देश का उपराष्ट्रपति कौन होगा। हालांकि अभी का जो कैलकुलेशन है उसमें आसानी से एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के जीतने की पूरी संभावना है। निधि जी, ब्रह्म, तो आप बने रहिए हमारे साथ, शिवांगी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट्स इन दोनों ही सहयोगियों से लेते रहेंगे। आज का दिन खास है, आज देश के 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और आज ही वोटों की गिनती भी होगी। इन चुनावों में एनडीए ने जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है जबकि विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव की तरह इन चुनाव में जो एकजुटता का अभाव है वो खुलकर सामने आ रहा, और इसी पर हम ब्रह्म से बात भी कर रहे थे। तो किस तरीके से अब से कुछ ही देर के बाद सुबह 10 बजे वोटिंग की शुरुआत होगी और आज शाम तक भारत को उनका उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज वोटिंग का दिन है और काउंटिंग का भी दिन आज ही है, यानी कि कौन होगा भारत का अगला उपराष्ट्रपति वो आज निर्धारित हो जाएगा। और ये देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होना है, आज वोटिंग है, आज ही नतीजे आने हैं। जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच ये मुकाबला है और विपक्ष की ओर से जहां मार्गरेट अल्वा है वहीं सत्ता पक्ष की ओर से जगदीप धनखड़ है मैदान में और ये समीकरण इस वक्त बन रहा है।
तो किसका पलड़ा भारी है। हालांकि जब आंकड़े सामने आएंगे शाम तक तो तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी, लेकिन आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं किस तरीके से ये पूरा मुकाबला आज रहने वाला है।